हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। फाइंड इंटीग्रेशन e टू द पावर x इनटू cos x माइनस sin x मल्टीप्लाइड बाय cos x स्क्वायर x dx। तो बच्चों, टू सॉल्व दिस क्वेश्चन वी विल यूज अ स्पेशल केस ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, व्हिच इज इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x मल्टीप्लाइड बाय fx प्लस f डैश x dx इज इक्वल टू e टू द पावर x f ऑफ x प्लस सी। तो कहने का मतलब है कि अगर आपके पास e टू द पावर x के मल्टीप्लीकेशन में एक फंक्शन है प्लस इसका डेरिवेटिव है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? e टू द पावर x मल्टीप्लाइड बाय दैट ओरिजिनल फंक्शन। तो स्टार्ट करते हैं। लेट द गिवन इंटीगर, तो हमने नाम दे दिया i, तो i इज इक्वल टू e टू द पावर x cos x माइनस sin x इंटू cos x स्क्वायर x dx। नाव ये cos x स्क्वायर x से अंदर मल्टीप्लाई करते हैं cos x माइनस sin x, तो ये cos x स्क्वायर x को मैंने लिखा cos x और एक cos x लिखा cos x x को मैंने लिखा 1 बाई sin x, तो ये हो जाएगा नीचे sin x माइनस sin x इंटू cos x और एक cos x को मैंने लिखा 1 बाई sin x dx, तो इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स। अच्छा, यहाँ पे क्या हो रहा है? कॉस अपॉन साइन होता है कॉट एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस एक साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच गया कॉस एक्स। नाउ आई विल टेक माइनस साइन कॉमन, तो ये हो जाएगा आई इज इक्वल टू माइनस ई टू द पावर एक्स और यहाँ पर क्या हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर इंटीग्रेशन में कॉस एक्स को पहले लिख लेते हैं, तो कॉस एक्स माइनस यहाँ पर लिख लेते हैं कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स। तो आप चेक करो कि ई टू द पावर एक्स है, अगर ये मेरा एफ ऑफ एक्स है, कॉस एक्स मेरा एफ ऑफ एक्स है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? इसका डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कॉस एक्स इंटू कॉट, तो ये लिखा हुआ है एफ डैश एक्स। तो वी विल यूज दिस फॉर्मूला जो हमने यहाँ पर मैंशन किया, तो अकॉर्डिंग टू डेट दिस फॉर्मूला हम क्या लिख सकते हैं इसको? माइनस ई टू द पावर एक्स एफ एक्स, एफ एक्स का मतलब कॉस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। दिस इज अवर फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।